अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मूली की भुजिया, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आजकल सर्दियों का मौसम है, बहुत अच्छी मूली आई हुई है, तो मैं आपको मूली की भुजिया बनाने की तरकीब बताती हूँ। तो मैंने ये लिए है 1/2 kg मूली पत्तों के साथ। अब मैं इसको छील के इसके बारीक बारीक पतले काटती हूँ। ये देखिए, मैंने मूली को पहले बीच में से कट कर लिया है और मैं इसको पील ऑफ करूंगी। देखिए, मूली को मैंने बहुत अच्छी तरह छील लिया है। अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगी और साथ में जो इसके पत्ते हैं इनको भी काट के इसके अंदर शामिल कर लूंगी। देखिए, मैंने इस का ग्रीन पार्ट भी और ये वाइट जो है इसको भी छोटा छोटा काट लिया है और इसके पत्तों को भी बारीक बारीक काट लिया। मैं इसको बहुत अच्छी तरह वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद इसको एक दो भाप देके पानी में उबाल लूँगी। तो चलें, हम तब तक इसको वॉश करते हैं, फिर बाकी का प्रोसेस करते हैं। इतनी देर में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए, हमने मूलियों को बहुत अच्छी तरह वॉश कर लिया है और धो के हमने इसको एक छन्नी में निकाल लिया है। अब हम एक पैन के अंदर पानी गर्म करने के लिए रखेंगे और उसमें अपनी मूलियों को बॉईल कर लेंगे। तो चलें, पैन चूल्हे को फ्लेम को करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें उबाल आ जाए तो हम इसमें अपनी मूलियाँ शामिल कर देंगे। चलें जी, देखते हैं पानी में ये आ रहा है हमारे बॉयल। अब हम इसमें अपनी मूलियाँ जो हैं वो शामिल कर देते हैं। और इसको 2-4 मिनट इसमें बॉईल आ जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे। जब तक हमारी मूलियों में उबाल आता है, हम ये 4 लहसुन के जवे जो हैं इनको बारीक बारीक काट लेते हैं बघार के लिए। ये देखिए, मैंने 4 जवे लिए हैं और इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। ये देखें, हमारी मूलियों को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इनमें बहुत अच्छा उबाल आ गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके और इसको निकाल लूँगी। देखिए, मूलियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह ठंडी हो गई हैं। अब हम इसके अंदर भगार में मैंने 4 जवे लहसुन के लिए हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है और थोड़ी सी क्रश रेड चिलीज़ लिए हैं और हसबे ज़ायका नमक। तो पहले हम इसको हल्का सा मूलियों को चॉप कर लेंगे। तो मैं इनको हल्का सा इनका पानी निकाल के इसको चॉपर में डाल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह चॉप हो जाए। और मैं इसमें चुटकी भर डालूंगी हींग। हींग की खुशबू से ये बहुत अच्छी बनती है। हींग से मूली की भुजिया में एक जायका आ जाता है जो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने इसका पानी निकाल निकाल के मूलियों का इसको मैं चॉप कर लूंगी। ये देखें, मैं इसको हल्का सा चॉपर में डाल के बस इसको हल्का सा क्रश कर लूँगी ताकि हमारी जो मूली और उसके पत्ते हैं आपस में मैश हो जाएं। अब मैंने लिया है 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी लहसुन। लहसुन हमारा थोड़ा सा हो जाए तो फिर हम इसमें ज़ीरा और मिर्चें, नमक और हींग शामिल कर देंगे। और जो हमने अपनी मूलियों को हल्का सा चॉप किया है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, लहसुन हमारा हल्का पिंक हो गया। अब हम इसमें ज़ीरा और मिर्चें शामिल कर देंगे और ये 2 चुटकी हींग जो है वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा, और साथ ही हम इसमें अपनी
जो मूलियाँ हमने मैश करके रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसको इतना भूनेंगे कि जो मूलियों में हल्का सा जो पानी है ये भी ख़त्म हो जाए और हमारी मूलियाँ बहुत अच्छी तरह, हमारी भुजिया जो है ये बहुत अच्छी तरह भुन जाए। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे या आप हसब जायका डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने नमक भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए, ये देखिए, इसको मैं ढक के रखूंगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह भुन जाए। चलें जी, देखते हैं हम। ये देखिए, अभी हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। अभी भी इसमें हल्का सा पानी है, ये बिल्कुल भुन जाएगी। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ खाएं तो ये बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए, अभी मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। ये देखिए, इसका सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है और हमारी भुजिया बहुत अच्छी तरह भुन चुकी है। ये देखिए, अब मैं फ्लेम कर दूंगी ऑफ और इसमें मैं 1 हरी मिर्च काट के बारीक बारीक डाल दूंगी।